Now we are going to study about the classification of gymnosperms. Gymnosperms को four divisions में divide किया गया है. So now we are studying about the classification. We will start with the division one. Name is Gingivomata. They flourished during Triassic period. Only existing species in this is the only existing species is Gingko biloba, which is commonly called as maiden hair. इसको मेडन हेयर ट्री इसीलिए बोलते हैं बिकॉज फर्न्स के अंदर दैट इज टेरिडोफाइट्स के अंदर एक फर्न प्रेजेंट होता है जिसका जिसकी लीव्स बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी ही होती हैं तो उनकी लीव्स को मेडन हेयर बोला जाता है और यहाँ पे गिंको बायलोबा को ही मेडन हेयर ट्री कहा जाता है. इट इज ओल्डेस्ट ट्री नोन so it is called as living fossil. presently found in China. leaves are shed at end of each growing season. it is exclusively dioecious and the kernel of its seed is used as heart tonic. in treatment of asthma and diseases like Alzheimer's disease. जब भी हम Gingivomata division की बात करेंगे that means we are just talking about one tree which is Gingko biloba जिसका common name है maiden hair tree because ये Gingivomata सबसे पहले gymnosperms हैं so they have extincted. अब आज के present environment में ही नहीं पाए जाते हैं इनका सिर्फ एक ही species पाया जाता है which is Gingko biloba. दे फ्लारिश ड्यूरिंग द ट्रायासिक पीरियड. ट्रायासिक पीरियड में इनका ग्रो होना स्टार्ट हुआ था. गिंगो बायलोबा सबसे ज्यादा पुराना ट्री है इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है एंड प्रेजेंटली ये चाइना में पाया जाता है. अभी भी ये चाइना में प्रेजेंट है. इनकी लीव जो होती हैं दे शेड एट द एंड ऑफ ईच ग्रोइंग सीजन. हर एक ग्रोइंग सीजन के बाद इनकी लीव शेड होती हैं. दे आर एक्सक्लूसिवली डायोशियस. ये डायोशियस होते हैं एंड द कर्नल ऑफ इट सीड. इसकी जो सीड्स का जो कर्नल होता है इट इज वेरी मच यूजफुल हार्ट टॉनिक्स और लंग्स को रिपेयर करने के लिए. जो टॉनिक्स बनाए जाते हैं उनमें इनके कर्नल के एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं एंड एस्मा और एल्जाइमर्स डिजीज जैसे जैसे डिजीजेस के लिए ट्रीटमेंट में भी बहुत बेनिफिशियल होती हैं इनकी सीड्स का कर्नल. सो दिस इज अबाउट द Gingivomata. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सेकेंड डिविजन.
नाउ द डिविजन नंबर टू इज साइकेडोफाइटा। दीज आर द ऑर्नामेंटल जिम्नोस्पर्म्स। दे हैव अबाउट 250 स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे थ्राइव्ड ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा। विच इज रेफर्ड टू हैज एज ऑफ साइकिड्स। दे हैव लार्ज कोन्स। And palm-like leaves. They are native to all tropical and subtropical regions. All species are dioecious and they all have coralloid roots. So this is about the another division which is Cycadophyta. आज भी इसके पूरे वर्ल्ड वाइड में 250 लिविंग स्पीसीज पाए जाते हैं। ये यूजुअली ऑर्नामेंटल जिम्नोस्पर्म्स होता है। ऑर्नामेंटल मीन्स इनको सजाने के लिए लगाया जाता है, अदरवाइज दे डू नॉट हैव एनी अदर इम्पोर्टेंस। दे थ्राइव ड्यूरिंग अ मीजोजोइक एरा। जैसा कि आपने पिछले वाले में देखा था कि गिंगोफाइट्स आए थे ट्रायसिक पीरियड में, ऐसे ही दे फ्लरिश ड्यूरिंग मीजोजोइक एरा। इसीलिए मीजोजोइक एरा को एज ऑफ साइकैड्स भी कहा जाता है। दे हैव लार्ज कोन्स एंड पाम लाइक लीव्स। व्हेन आई टोल्ड यू अबाउट द कोन्स, आई टोल्ड यू दैट साइकस अ पार्ट ऑफ साइकैड्स इज एन एक्सेप्शन, कि उसका जो मेल कोन होता है वो सबसे बड़ा होता है और फीमेल कोन प्रॉपर कोन नहीं होता, एक्सिस के अराउंड बस मेगा क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दे हैव लार्ज कोन्स एंड पाम लाइक लीव। इनकी लीव पाम लाइक होती हैं। दे आर नेटिव टू ऑल ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। यूजली सारे के सारे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, मतलब कि द रीजन नियर ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑल स्पीसीज आर डायोशस। सारे के सारे स्पीसीज डायोशस हैं, मतलब कि दे ऑल हैव कोरलॉइड रूट्स। इन सबके पास कोरलॉइड रूट्स होती हैं। कोरलॉइड रूट्स की स्पेसिफिसिटी इज दिस कि कोरलॉइड रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है एंड प्लांट्स उनको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो साइकेडोफाइट्स हैव द कोरलॉइड रूट्स। Now you study about the division number 3, which is Coniferophyta. Coniferophyta have around 630 species worldwide. They all are found in Northern Hemisphere. They are the largest group of gymnosperms. These plants bear cone, इसीलिए इनका नाम Coniferophyta रखा गया है। They include several genera like Pinus,
स्पाइसी है विच इज कॉल्ड एज स्प्रूस एंड जूनिपर्स एक्सेट्रा. वुडी प्लांट्स एंड हैव स्केली एंड नीडल लाइक लीव्स. Usually monoecious cones separately produced on the same tree. Their reproductive cycle is of ...14 to 20 months. So these are the general characteristics of Coniferophyta. Coniferophyta के आज भी 630 living species present है पूरे world के अंदर. They are found in the northern hemisphere. लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ये जिम्नोस्पर्म्स का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है. इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स के ऑलमोस्ट 70% ऑफ प्लांट्स आर देयर इन कोनीफेरोफाइटा. इन सभी प्लांट्स के अंदर कोन होते हैं इसीलिए इनका नाम कोनीफेरोफाइटा रखा गया है. दे इंक्लूड सेवरल जेनेरा लाइक पाइनस पाइन ट्रीज, पाइसिया स्प्रूस ट्रीज एंड जूनिपर्स आर जूनिपर ट्रीज. वुडी प्लांट्स होते हैं ये एंड दे हैव स्केल एंड नीडल लाइक लीव्स. एज आई टोल्ड यू कि पाइन की लीव्स ऐसी होती हैं. This needle-like. These are the leaves of pine, and they are usually monoecious. Monoecious होते हैं. Cones are separately produced on the same tree. एक ही tree पे दोनों male और female cones present होते हैं, लेकिन अलग-अलग positions पे. And reproductive cycle is a 14 to 20 months. As I told you कि इनकी gymnosperms की reproductive cycle बहुत लंबी चलती है. लेकिन सारे gymnosperms में ऐसा नहीं होता. कोनीफेरोफाइटा आर द स्पेशल इज अ स्पेशल डिवीजन. इसके प्लांट्स के अंदर इस डिवीजन के अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबकी रिप्रोडक्टिव साइकिल बहुत लंबी चलती है. जरूरी नहीं है कि पॉलिनेशन के तुरंत बाद फर्टिलाइजेशन हो जाए या फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद सीड डेवलपमेंट हो जाए. इसीलिए दे हैव अ वेरी लॉन्ग रिप्रोडक्टिव साइकिल. दिस वॉज अबाउट द थर्ड डिवीजन कोनीफेरोफाइटा.